बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स, मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन गुज़िश्ता रात मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने आपको वॉच टाइम्स के नाम पर पैसे लेने वाले एक नौसरबाज चौधरी सरवर की तस्वीर भी आपको दिखाई थी, क्योंकि जिस तरह सैफुर रहमान खान नियाज़ी ये दावा करते थे कि भाई मेरे नाम का 1 करोड़ रुपया उन्होंने दिया, किसको दिया ये मुझे भी अभी तक मालूम नहीं, लेकिन सैफुर रहमान खान नियाज़ी इस हवाले से अगर कोई सबूत मुहैया करेंगे तो मैं उसके ऊपर प्रोग्राम करूंगा। क्योंकि मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि जितनी भी पोंजी स्कीम हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो आपको बड़े इनाम का लाले देती हैं, वो आपको लूटने के लिए ही हैं। फिर इसी तरह और कई और कंपनीज ने, अब तो मेरे पास कुछ ऐसे कमीशन एजेंटों के सबूत भी मिल चुके हैं मुझे, कि जो कंपनी के जो मालकान थे उनके साथ गुफ्तगू करते रहे कि हम ताहिर नसीर को चुप करवा देंगे, इतना पैसा दें, इतने, ये वाली उसकी डिमांड है। अल्लाह माफ़ करे, आज तक किसी भी कंपनी के मालिक के साथ मैं रब्ता ज़रूर करता था सिर्फ मौक़ के लिए। उसके बाद हमने ये किया कि हम अपने यूट्यूब चैनल के नीचे एक नंबर देते हैं, उस नंबर के ऊपर आप कॉल करेंगे तो वो नंबर मेरे पास नहीं होता, आप मेरे से बात कर सकते हैं शाम किसी भी वक्त, और अगर आपके पास कोई भी एविडेंस है तो आप वो एविडेंस मुझ तक प्रोवाइड कर सकते हैं, मुझ तक पहुँचा सकते हैं, मैं उसके ऊपर प्रोग्राम करूँगा। जिन कमीशन एजेंटों के मैं नाम ले रहा हूँ उनके हवाले से मैंने जरा रात को भी बताया था कि ऐसे ऐसे लोग हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि वो सुन्नत रसूल रख के कंपनी के मालकान को ब्लैकमेल करते थे कि आप ताहिर नसीर ये डिमांड कर रहे हैं। हत्ता के यहाँ तक कहा गया कि क्योंकि डू गुड हैव गुड वाली बात है, और अल्लाह पाक ने फरमाया हुआ है कि जना एक कर्ज है, और यहाँ तक कंपनी के मालकान को कहा जाता रहा जी कि ताहिर नसीर लड़की मांग रहा है। अल्लाह माफ़ करे, आज तक किसी कंपनी के मालिक से मैंने कोई डिमांड किया, मैंने सिर्फ मौकफ के लिए रब्ता किया था, उसके अलावा मैंने किसी से, मैंने रात को भी आपको ये कहा था कि कुछ लोग अब ऐसे हैं कि वो जाली वॉइस बनाएंगे, फिर जाली व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे, जाली व्हाट्सएप टेक्सटिंग मैसेजिंग करके आपको बताएंगे, लेकिन किसी के पास कोई भी सबूत है तो मुझ तक पहुँचाए, मैं उसके ऊपर प्रोग्राम करूँगा। बात कर रहा था सैफुर रहमान खान नियाज़ी की, बी फॉर यू ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो मालिक हैं, जो आप सिक्योर रिनेक्स नामी एक वेबसाइट चला रहे हैं, क्योंकि राजा रियाज तो दुबई में बैठ के सैफुर रहमान के पैसों पर अय्याशी मार रहा है। लेकिन प्रोग्राम में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि एक ये नैब की जानिब से जो नोटिस जारी किया गया है, बेसिकली इसकी हकीकत आपको बताऊँगा कि इसकी हकीकत क्या है आपके सामने है, लेकिन असलियत असल चीज़ हम आपको बताएंगे कि ये नैब का नोटिस बुनियादी तौर पर है क्या। इसके अलावा मैं प्रोग्राम में इस वजह से कर रहा हूँ कि खातून जिसका वॉइस नोट मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, सैफुर रहमान खान नियाज़ी को ज़रा रत्ती बराबर भी खौफ खुदा नहीं कि उसको अब खवातीन कितनी बदवाएँ दे रही हैं, क्योंकि मैं तो कहता हूँ मेरे ईमान है कि दुआ अर्श भी हिला देती है, फ़र्श भी हिला देती है, और यही हाल बदुआ का भी है कि जो लोग अंदर से दुखे होते हैं, वो एक खातून जो बीमार है वो सैफुर रहमान खान नियाज़ी को किस तरह याद कर रही है, क्या बदवाएँ दे रही हैं। सैफुर रहमान खान नियाज़ी साहब, अगर आपके दिल में रत्ती बराबर भी कोई रहम मौजूद है, आप, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है कि ज़मीन वालों पर तुम रहम करो तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा, तो आपके दिल में आपका ज़मीर रत्ती बराबर भी अगर रहम करने वाला है, तो खुदा रहा उस खातून का जो वॉइस नोट है वो आप सुने और उसकी ज़रूर मदद करें। फिर मैं ये जो नैब का नोटिस है इसकी हकीकत बताऊंगा, अभी आपको उस खातून का मैं वॉइस नोट सुनवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? हीरा बात कर रही हूँ कराची से, और बस इतनी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने 1 साल बहुत मुश्किलों से गुजारा है, कंपनी नहीं खुलती तो कोई ना कोई अल्लाह रास्ता ज़रूर बनाता। मुझे कंपनी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने अकाउंटों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे उसमें से कोई विड्रॉवल नहीं चाहिए। मैंने अपनी बीमारी के वक्त, मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था 2021 11-12 अक्टूबर वाले दिन की बात है, मेरा ऑपरेशन था उस टाइम। मैंने सैफुर रहमान सर को अपने $5,000 बी फॉर यू के दिए थे, जिसमें से मुझे 2.5 लाख की पेमेंट रिसीव हुई थी, उसका प्रूफ मेरे पास पड़ा हुआ है। मेरे अगर 150 रुपये से काउंट करा जाए तो मेरे 5 लाख रुपये की पेमेंट बनती है। मुझे सिर्फ उन पैसों में से मुझे सरोकार है, वो मेरा बच्चों का आगे, वो मेरी मेहनत है। मैं इतनी बोलूँगी कि मैं इतनी बोलूँगी कि मेरी मदद करें। मैंने शेख शामी साहब को कॉल करी है,
मैंने इरफान ख्वाजा को, इमरान ख्वाजा को, सबको कॉलें करी हैं, सैफ उरहमान को कॉल करती हूँ, रिसीव नहीं करते। मैसेज करे हुए हैं, कोई जवाब नहीं है, ना देते आए। मैंने इनको 600-600 कॉलें करी हुई हैं। बीच मुझ पर मेहरबानी करें, क्योंकि मैं परेशान हूँ। मेरा हस्बैंड शुगर पेशेंट हो चुका है, मुझे फालिज का झटका लग चुका है, मेरे घर की चीज़ें बिक चुकी हैं, मेरे बच्चों का स्कूल छूट चुका है, मैं टोटली डिप्रेशन में आ चुकी थी। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई कारोबार करने का रास्ता नहीं है। मुझे मेरे पैसे मिल जाए तो, ताकि मैं खुद अपना काम करके अपने बच्चों का पेट पाल सकूँ। मेरा जवान शोर है, मैं खुद जवान औरत हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करें। मैं और कुछ भी नहीं बोलूँगी, ये मेरे मेरी कंडीशन, मेरे हालात सब कुछ अल्लाह जानता है। एक एक चीज़ का प्रूफ दूंगी मैं अपने घर की, कौन कौन सी चीज़ें बेच दी है। मैं कर्जदार हो चुकी हूँ। अब जब कंपनी खुल गई है तो मेरा हक बनता है, क्योंकि हमने कंपनी को कमा के दिया है, हमने कमा के दिया है, मेरा हक बनता है। मैं अपना हक लेना मेरा राइट बनता है। मुझे मेरे बच्चों का हक चाहिए। मैंने 5 साल इस कंपनी को कमा के दिया है, मेरे पास एक एक चीज़ का सबूत पड़ा हुआ है। मैंने कब पैसे भेजे, कब डॉलर भेजे, सैफुरमान सर की आईडी में मैंने डॉलर भेजे, मुझे कितने पैसे रिसीव हुए, कितने नहीं हुए। लास्ट में मुझे इमरान अल्फा वाले इमरान ने उनका अकाउंट नंबर दिया गया था, मेरी टीम के पैसे आए थे लास्ट में, मैंने वो तक भेजे, मगर मुझे मेरी पेमेंट रिसीव नहीं हुई। मेहरबानी करें, खालिद भाई आपको भी बोल रही हूँ, मुझ पर मेहरबानी करें, मेरी मदद करें। बस इतना ही बोलूँगी, मेरी मदद करें, क्योंकि मेरा अल्लाह और उसका रसूल जानता है। मेरे सैफ साहब के आगे अल्लाह रसूल के वास्ते दे देंगे, दे देंगे, उनके आगे हाथ जोड़ लिए, मतलब मेरी कंडीशन बद से बदतर हो गई है। उनके आगे हाथ जोड़े, मगर उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मेरी बात को कोई तरजीह नहीं दी, कोई जवाब नहीं दिया कि बेटा तुम, जब मुझे ही इस चीज़ का जवाब दिया गया कि बेटा तुम डॉलर भेजो, अकाउंट भेजो, मैं पेमेंट भेज दूँ, तो सैफ उरहमान सर का राइट था ना कि मुझे पैसे भेज दे। जब मैंने उन्हें डॉलर भेजे तो क्यों नहीं भेजे उन्होंने मुझे पैसे? और मैं भीख मांगती रही, मांगती रही, मांगती रही। लास्ट टाइम फिर वो अरेस्ट हो गए, उसके बाद अब तक कोई रब्ता नहीं हुआ सैफ उरहमान सर को। आए हुए काफ़ी महीने हो गए, मगर कोई जवाब नहीं है। मैंने सैफ उरहमान सर से बोला कि मुझे सर 50,000 रुपये उधार भेज दे, उन्होंने बोला नो कैश एट अमाउंट, मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये तो कोई, ये कोई इंसानियत नहीं है, ये कोई इंसानियत नहीं है। मैं बहुत परेशान होके अपने जर पे काबू पाके अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। ये मैं थकार के अब जाके कहीं मैंने लोगों को मैसेज कॉले करनी शुरू करी है, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कमाने का। तो मेरी मदद की जाए, मेरी वॉइस लंबी हो गई है, मेरी मदद की जाए, बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगी अल्लाह रसूल के वास्ते मेरी हेल्प करें। जी तो सैफ उरहमान खान न्यायी साहब, ये खातून आपसे मतवज्जो थी और उम्मीद है कि शायद आपके दिल में रहम आ जाए और आप इस खातून की मदद फरमाएं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।